मोहित और रजनी एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। ऐसे ही एक रोज मोहित की माँ सुनीता किचन में काम कर रही होती है, तभी मोहित अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, जल्दी बोल, मुझे भी बहुत काम है। क्या कहना है तुझे? माँ मेरे साथ एक रजनी नाम की लड़की ऑफिस में काम करती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुनीता बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा देती है और बहू को खुशी खुशी अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करती है। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता अपनी बहू को आवाज देकर कहती है, बहू सुबह का नाश्ता बना लो, मोहित को देर हो जाएगी ऑफिस जाने में, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, ज्यादा देर हो गई तो वो गुस्सा हो जाएगा। माँ जी आप परेशान ना हो, मैंने नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर दिया है, अभी आता ही होगा, मुझे पता था आज देर हो गई है और आप अभी नाश्ते के लिए बोलेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। अरे इसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, इसको पहले ही पता लग गया कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। और कुछ माँ जी? नहीं बहू, जा तू अपना काम कर, मुझे कोई काम होगा तो मैं खुद बुला लूँगी। ठीक है माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊँगी। ठीक है बहू, जल्दी आना, वैसे भी मोहित के आने का समय हो जाएगा। जी माँ जी, मैं टाइम से आ जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। रजनी के जाने के बाद सुनीता घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी उसकी सहेली रमा उससे मिलने आती है और उसे आस पड़ोस में हो रही चोरियों के बारे में बताकर कहती है, तुम्हें पता है कल हमारे पड़ोसी रमेश जी के यहाँ चोरी हो गई, चोर सब कुछ उठा ले गए, पैसे जेवर, बेचारी उनकी पत्नी का तो रो रह कर बुरा हाल था, आजकल तो भरोसा करने लायक जमाना ही नहीं है। तुम सही कह रही हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो बाहर गई है, अभी आती ही होगी, तुम बैठो। नहीं अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। रमा की बात सुनकर सुनीता बहुत परेशान होकर बैठी होती है, तभी उसकी बहू रजनी घर वापस आती है और सुनीता उसे रोककर कहती है, बहुत देर लगा दी बहू तुमने, थोड़ी देर का बोलकर रात लगा दी। माँ जी वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना, इसलिए देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या बात है माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? हाँ बहू मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता है कल रात को हमारे पड़ोसी रमेश जी के यहाँ चोरी हो गई, उनका सारा महंगा सामान सब चोरी हो गया, बेचारे बहुत दुखी थे। हाँ माँ जी पता चला मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, होनी को कोई टाल तो नहीं सकता। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन सतर्क तो रह ही सकते हैं ना हम लोग, उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो इसलिए। और वैसे भी वो कहावत तो सुनी ही है तूने, नजर हटी दुर्घटना घटी। जी माँ जी आप सही कह रही हैं, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद मोहित भी ऑफिस से घर आता है और सभी खाने की टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ चाची जी का फोन आया था, नेहा की शादी फिक्स हो गई है तो हमें कल शाम को निकलना होगा, आप लोग तैयार रहिएगा, मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ बेटा जाने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन आजकल जो चोरियाँ हो रही हैं पड़ोस में, उस चक्कर में पूरा घर खाली छोड़कर नहीं जा सकते। क्या माँ आप भी चलिए ना, कुछ नहीं होगा, आप बहुत डरती हैं। चलिए माँ हम सभी शादी खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। अपने बेटे के इतना कहने पर सुनीता तैयार हो जाती है और अपने बेटे बहू के साथ शादी में चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद सभी शादी के फंक्शन में बिजी हो जाते हैं। तभी अचानक से शादी वाले दिन खाना कम पड़ जाता है और सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी रजनी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी खाने का अरेंजमेंट हो गया है, अब सब कुछ ठीक है, आप परेशान ना हो। बहू तुमने ये सब अरेंजमेंट कैसे किया, तुम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। माँ जी मैं मोहित को देखने बाहर आई थी, तभी मेरी नज़र खाने पर पड़ी और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट खाना एंड पर था, मुझे लगा कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर करके खाना मंगवा लिया, आप चिंता मत कीजिए। दोनों की बातें सुनकर पूरा परिवार रजनी का दिल से धन्यवाद करता है और सभी रजनी के तेज दिमाग और समझदारी की खूब प्रशंसा करते हैं और एक साथ मिलकर शादी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं और फिर सुनीता और उसका परिवार अपने घर लौट आते हैं और देखते हैं
के सारे पड़ोसी उनके घर के सामने भीड़ जमा करके खड़े हैं। वो लोग जब अपने घर पहुंचते हैं, तभी सुनीता की सहेली रमा उसके पास आकर कहती है, कल रात को चोर तुम्हारे घर घुस आए थे और सारा सामान लेकर चले गए। जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो हमने देखा कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मैं तभी समझ गई थी कि चोरी आए होंगे जो तुम्हारे घर में घुसकर सारा सामान लेकर चले गए। मैं तुम लोगों को फोन ही करने वाली थी कि तभी आप लोग आ गए। मुझे जिसका डर था वही हुआ। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, इस समय घर को खाली करके जाना ठीक नहीं है। अब देखो क्या हो गया, वो चोर हमारे पूरे जीवन की सारी जमा पूंजी ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ आप चुप हो जाइए, मैं कुछ करता हूँ, आप रोइए मत। आप ज्यादा रोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब ठीक होने के लिए क्या बचा है, सब खत्म हो गया। माँ पैसे मत बोलो। चुप हो जा, जब कहा था तब तो सुनी ही नहीं तूने, अब क्या कर लेगा तू? मेरा जो जाना था वो तो चला गया और अब वो वापस भी नहीं आ सकता। पछताने का भी कोई फायदा नहीं है। मैंने बहू को भी समझाया था पर उसने भी नहीं सुनी मेरी। तुम दोनों ने तो कसम खा रखी थी कि मेरी बात नहीं सुनोगे। माँ जी आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है क्या? आपको लगता है मैं इस घर में कुछ गलत होने दूंगी? तू कहना क्या चाहती है बहू? माँ जी आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी जमा पूंजी कहीं भी नहीं गई, वो बिल्कुल सेफ है। आप परेशान ना हो, जिस दिन मैंने चोरों वाली बात सुनी थी उसी दिन से मैंने आपके जेवर और पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे, और जब घर में कुछ था ही नहीं तो चोर आकर भी क्या ले जाएंगे। तू सच बोल रही है ना, या कहीं मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रही है? जी माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, ये मेरा ही तो घर है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? माँ जी अगर मैं आपको सब पहले ही बता देती तो आप मुझे कभी सारी चीजें बैंक में रखने ही नहीं देती। आप यही बोलती कि इतना बड़ा घर क्या कम पड़ गया है अपने जेवर और पैसे रखने के लिए, बल्कि ये सभी चीजों को बैंक में रखने के दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं बहू, जरा मुझे भी बता। देखिए माँ जी, पहला फायदा ये है कि हमारे सारे जेवर और पैसे बैंक में सेफ रहेंगे, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता हमारी मर्जी के बिना। दूसरा, हम जो भी पैसा अपने बैंक में जमा करवाते हैं हमें उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, तो हुई ना तेज दिमाग वाली बात। हाँ बहू। तो देखा आप लोगों ने कैसे रजनी ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने और अपने पूरे परिवार को कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया और सभी पड़ोसियों की सबसे प्यारी बहू बन गई। और सुनीता ने भी अपनी बहू को गले लगाया और सबने उसकी खूब तारीफ की। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला।